हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल्स में देखा है कि आज का जो प्लान है, दो ब्रदर्स के लिए, दो भाइयों के लिए प्लान डिज़ाइन किया गया है। और ये 23 फीट बाई 47 फीट का ये प्लान है। 23 फीट इस प्लान का विड्थ है और 47 फीट इस प्लान का लेंथ है, लंबाई है। और ये टू साइड ओपन प्लॉट है। ये ईस्ट फेस में ओपन है और पीछे में वेस्ट फेस में भी ओपन है। मतलब यहाँ पे भी रोड है और पीछे में भी रोड है। और ये जो है प्लान बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अगर इस साइड में अगर आपका कोई प्लॉट है और आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ये प्लान बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही वेल डिज़ाइन प्लान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिल पाएँ और आप देख के अपना घर बना सकते हैं। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बालकनी है। बालकनी जो है बाहर में, यहाँ पे ये जो है ब्लू कलर में जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये बालकनी की लाइन है, जो कि छज्जा भी बोलते हैं गांव एरिया में। ये हमारे घर के बाहर, जो हमारा प्लॉट एरिया है उसके बाहर है। यहाँ जो चौड़ाई है 3 फीट है, यहाँ पे चौड़ाई 4 फीट है और यहाँ पे 3 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से बालकनी को डिज़ाइन किया गया है, जिससे एक अच्छा ही, बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारे घर का। और ये हमारे घर के अंदर जाने का मेन एंट्रेंस है, मेन दरवाजा है। और मेन दरवाजे से हम सीधे एंटर करेंगे। इससे हम जाएंगे तो सीधे अपने लिविंग एंड हॉल में जा सकते हैं। सीधे यहाँ से एंट्री हमारी जो है सीधे हॉल में है यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर में एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया है। इसको आप चाहें तो एज ए गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाहर से जाने के दरवाजे है, 3 फीट वाइड है और इसमें 12 फीट बाई 9 फीट 4 इंच का ये कमरा है। तो ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड साइज का कमरा मिल जाता है। एक विंडो मिल जाता है यहाँ पे W2, जो कि 4 फीट वाइड है। इसके अंदर, इस बेडरूम के अंदर एक और भी दरवाज़ा मिल जाता है। इस रूम के अंदर एक दरवाज़ा मिलता है जो कि 2.5 फीट चौड़ा है। तो इधर से भी हम अपने गेस्ट को आप चाहें तो लेके जा सकते हैं। और अपने हॉल से भी अपने इस रूम में आने के लिए इस दरवाजे को ओपन करके इसमें आ जा सकता है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसे आगे हॉल की। 13 फीट इसका लंबाई है। यहाँ पर विंडो मिल जाता है, जिससे बाहर से जो रोशनी जाएगी वो सीधे हमारे हॉल में जाएगी। डाइनिंग एंड हॉल है यहाँ पर। 13 फीट 1 इंच इसका लेंथ है, लंबाई है। और यहाँ पे 9 फीट इसका चौड़ाई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सोफे प्लेस किए गए हैं और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल भी देख पा रहे होंगे। तो इसी से आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ओपन किचन भी डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 6 फीट 6 इंच इसका इस डायरेक्शन में लेंथ है, 6 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में किचन की यहाँ पे ये स्लैब है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ओपन किचन है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ओपन किचन या आपको प्राइवेसी के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आप कर्टन्स लगा सकते हैं। यहाँ पे इस दीवार से लेके यहाँ पे कर्टन्स लगा देंगे, तो जिससे यहाँ पे इसको प्राइवेसी मिलेगी, इस किचन को प्राइवेसी मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। वैसे तो ये नॉर्मली आजकल ओपन किचन का ही रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे ओपन किचन डिज़ाइन कर रखा है। तो यहाँ पे इसी हॉल से हम अपने इस बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे ये बेडरूम भी सेम ही साइज का, लगभग 12 फीट इसका 12 फीट लेंथ है और 9 फीट 4 इंच इसका चौड़ाई है इस कमरे का। तो यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड मिल जाता है और इसमें जाने के लिए एक डोर, ये डोर मिल जाएगा जो कि 3 फीट वाइड है। तो यहाँ पे सोफा मिल जाता है। इस कमरे के लिए जो विंडो है वो पीछे यहाँ पे एक ओटीएस दिया गया है, शाफ्ट है उस वाली दीवार पे, जो कि 3 फीट वाइड है। तो 3 फीट वाइड यहाँ पे, 3 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे बड़ा विंडो मिल जाता है, जिससे हमारे इस बेडरूम के अंदर उजाला रहेगा। ओटीएस साफ से जो रोशनी आएगी वो इस विंडो के ओपन होने से हमारे इस कमरे के अंदर भी प्रॉपर उजाला रहेगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया एक पार्ट, जो कि हम ये फ्रंट वाला पार्ट है और पीछे का भी पार्ट है। उस उधर में भी डोर है, तो उधर का भी अभी प्लान हम देखेंगे। तो इधर में भी आप देख पा रहे होंगे किचन के सामने यहाँ पे एक डोर है। ये डोर है जो कि 2 फीट 6 इंच चौड़ा है। ये डोर कंपलसरी है, यहाँ पे देना ज़रूरी है। जिधर इसे इधर से हम ये ओपन करेंगे तो सीधे हम चले जाएंगे अपने यहाँ पे स्टेयर के इस एरिया में, ये ओपन करके। तो यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से जो यहाँ पे 3 फीट वाइड यहाँ पे हमको लैंडिंग स्पेस के लिए जगह मिल जाती है। और इधर से हम ओपन करके इस डोर को हम अपने इस कॉमन एरिया में जाएंगे। ये पूरा एरिया कॉमन एरिया है, जो कि दोनों ब्रदर्स के लिए यूज में आएगा यहाँ पे। तो ये जो कि सीढ़ी है यहाँ पे 3 फीट वाइड है। और इधर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और जाके यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। और इधर से हम टॉयलेट के ऊपर से लैंडिंग हमारी होगी और इसी टॉयलेट के ऊपर से यहाँ से हम घूम के यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे, मतलब अपने रूम पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट में जाने के लिए
ये जो आप हल्की लाइन से देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियों की लाइन है जो कि सेकेंड फ्लाइट है, तो इसके नीचे से हम जाएंगे और यहाँ पे इस टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 फीट 6 इंच का लंबाई है, 6 फीट 6 इंच का चौड़ाई है। तो ये कॉमन टॉयलेट है जो कि आप इधर से भी जाके यूज कर सकते हैं और दूसरे वाले फ्लैट से भी आके इसमें यूज कर सकते हैं, दूसरे वाले पार्ट से भी। यहाँ पे एक डोर मिल जाता है जो कि 2.5 फीट चौड़ा है। इसी तरह से डोर लगाएंगे, ये जैसे मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पे ये जो डोर है इधर ओपन होगा, ऐसे में ओपन होगा। तो यहाँ पे हम अपने इस डोर को ओपन करके इस शाफ्ट वाले पोर्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, जिसको आप एज ए वॉश एरिया यूज कर सकते हैं, इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 फीट 6 इंच लंबाई में है, 3 फीट वाइड ये वॉश एरिया है। यहाँ पे साफ क्या है कि हमारे छत में ये यहाँ पे कोई छत नहीं आएगी, ये खुला रहेगा। और जबकि हम कंक्रीटिंग करते हैं, जो कास्टिंग करते हैं, तो ये खुला रखते हैं और बाद में यहाँ पे लोहे की जाल से इसको कवर कर देते हैं, तो जिससे इसके अंदर प्रॉपर उजाला आता है और प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। इस टॉयलेट का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे आप चाहें तो इस दीवार में यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, तो जो स्मेल होगा इस टॉयलेट एंड बाथरूम का वो सीधे यहाँ से इस शाफ्ट से होते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अभी चलिए चलते हैं ये पार्ट टू में। ये हमारा एक पार्ट था और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो हम चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये जो है यहाँ पे भी डोर दिया गया है, यहाँ पे 2.5 फीट चौड़ा, तो इधर से हम भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे घर के अंदर जाने का जो मेन एंट्रेंस है, मेन दरवाज़ा है, वो आगे से दिया गया है। तो मैं चलिए सबसे पहले मैं आगे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 23 फीट चौड़ाई यहाँ पे है, 4 फीट चौड़ाई यहाँ पे बालकनी की है, यहाँ पे 3 फीट है। सेमी चौड़ाई यहाँ पे बालकनी की मिल जाती है और यहाँ पे एक डोर मिल जाता है जो कि सेमी 4 फीट चौड़ा है। एंट्री करते हैं अपने हॉल में, जैसा कि आपने वहाँ पे पार्ट वन में देखा था, 13 फीट 1 इंच लेंथ में मिल जाता है, 9 फीट वाइड है। यहाँ पे भी सेमी हॉल एंड डाइनिंग टेबल मिल जाता है। यहाँ पे ड्राइंग रूम भी सेम साइज का है, 12 फीट बाई 9 फीट 4 इंच है, क्योंकि दोनों ब्रदर्स के लिए तो इक्वल ही रखना जरूरी होता है। यहाँ पे भी बाहर से हम अपने गेस्ट को ला सकते हैं और यहाँ पे भी 2 विंडो मिलते हैं जो कि हमारे फ्रंट वाले वॉल पे आ जाते हैं, जो कि उजाले के लिए प्रॉपर सोर्स एक अच्छा सोर्स बनता है। अभी हॉल से अभी आ जाएंगे अपने इस ओपन किचन में। यहाँ पे भी सेम साइज का ओपन किचन मिल जाएगा आपको, 6 फीट बाई 6 फीट और 6 इंच का। और यहाँ पे जो है किचन के लिए जो विंडो मिल जाती है, यहाँ पे स्टेयर वाली दीवार पे मिलती है जो कि यहाँ पे 3 फीट वाइड है। तो किचन के अंदर का जो स्मोक होगा वो इस विंडो से होते हुए स्टेयर वाले पार्ट में आएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ही बेडरूम मिलता है आपको, जो कि 12 फीट बाई 9 फीट 4 इंच का कमरा मिल जाएगा। और इस कमरे के लिए भी सेम विंडो यहाँ पे 3 फीट वाइड मिलेगा, जिससे हमारे इस कमरे के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा और उजाला रहेगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं वॉल साइजेस की। मैं अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसमें वॉल साइजेस जो है वो बाहर बाहर की वो 9 इंच की डिज़ाइन की गई हैं और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की इसमें डिज़ाइन की गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहे तो उसका फोटो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।